नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। बच्चों, यूपी ट्रिपल एससी कॉमन कट ऑफ के लिए एक जो मुहिम जारी की थी टीम परीक्षा प्लस ने, आज उसको एक हवा, एक जो चिंगारी थी वो आग के रूप में बदलते हुए दिख रही है, और इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बच्चों, अभी बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताना है, और बहुत सारे लोगों से मैं विनती भी करता हूं कि आप भी इस मुहिम में शामिल हो जाए, ताकि ये जो एक बच्चों की लड़ाई है, उनके भविष्य के लिए लड़ाई है, उनमें उनको जीत हासिल हो सके और एक कॉमन कट ऑफ पीटी के लिए यहां पे जारी हो सके यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा। 5 नवंबर को हमने डिसाइड किया था। मैं आपको पहले भी बोला था कि बच्चों 1 नवंबर को जल्दबाजी मत करो, और बच्चों ने इस बात को माना भी, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं खुद भी उन बहुत सारे बच्चों के ग्रुप में जुड़ा हूँ, उनकी एकता देख के अंदर से खुशी होती है कि हाँ, एक जो हमेशा टैगलाइन लगी हुई थी कि यूपी ट्रिपल एससी के बच्चे सबसे ज्यादा आलसी हैं, वो टैगलाइन थोड़ी हटते हुए दिख रही है। होता क्या है बच्चों की, बच्चे वही हैं, आप यूपी ट्रिपल एससी कोई ऐसा नहीं है, बच्चों के ऊपर टैग लगा होता है यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी या यूपी पुलिस, सारे बच्चे ही कॉमन होते हैं। बट कई बार क्या होता है कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग इतना ऐसा है कि जल्दी बच्चों की बात सुनता नहीं है, या इतना लेट लतीफा करता है कि बच्चों का मोरल इतना डाउन हो जाता है कि ये तो नहीं सुनेगा, बाकी कुछ भी सुन लेगा। जैसे यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की अगर हम बात करें, तो उस दिन जैसे ही हैशटैग वहां पे थोड़ा सा ट्रेंड किया, उन्होंने तुरंत ही एक नोटिस दे दी। तो सबसे ज्यादा एक्टिव अगर आयोग है तो पुलिस भर्ती बोर्ड है, इस बात को भी आप समझिएगा। वहां पे कई बार हम लोग खुद ही जाके भर्ती बोर्ड जाके अपनी बात मनवा के और वेबसाइट पे नोटिस जारी करवाए हैं। बट यूपी ट्रिपल एससी में खुद का जाना भी कई बार निरर्थक साबित ही हुआ है, और वहां पे कुछ भी हुआ नहीं है। लेकिन अगर एकता है, अगर एक जो प्लान है वो बहुत अच्छा है, ब्लूप्रिंट बहुत अच्छा आपने तैयार कर रखा है, और बोलते हैं कि किसी भी प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसका जो प्लान होना चाहिए वो बहुत ही एकदम बोल सकते हैं बहुत अच्छा होना चाहिए, और जब वो प्लान अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है सफलता भी उतनी अच्छी होगी। तो मैं ये देख रहा हूं कि आप लोग के प्लान बहुत अच्छे हैं, और मैं तमाम उन बड़ी कोचिंगों से जिनके पास अच्छी कम्युनिटी है, जो बड़ी कोचिंग इन द सेंस की जिनके पास कम्युनिटी अच्छी है, जो मिलियंस में सब्सक्राइबर लिए हुए हैं या बच्चे फॉलो कर रहे हैं, उन बच्चों को भी आप लोग एक बार, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, वो चाहे एग्जाम्पल चैनल हो, चाहे रोजगार विद अंकित चैनल हो, या फिर टारगेट विद्यालोक हो, या फिर कोई भी ऐसे बड़े चैनल है जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, वो अपने बच्चों से बोले कि 5 नवंबर को सुबह 10 बजे यूपी ट्रिपल एससी, हैशटैग भी है यूपी ट्रिपल एससी पीटी कॉमन कट ऑफ, एक ही हम लोग यहाँ पे हैशटैग ट्रेंड कराएंगे 5 नवंबर को कराएंगे, और सुबह 10 बजे कराएंगे। और आप लोग भी बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो हर जगह, आप किसी भी ग्रुप में जुड़े हो, आप किसी भी कोचिंग के ग्रुप में जुड़े हो, वहां पे भी शेयर करो कि हर बच्चा, वो चाहे रेलवे का हो, चाहे पुलिस भर्ती बोर्ड से रिलेटेड हो, चाहे यूपी पीएससी का हो, या यूपी ट्रिपल एससी का हो, या टीचिंग एग्जाम से हो, हर बच्चा अगर थोड़ा सा योगदान दे सकता है तो यहाँ पे 5 नवंबर को सुबह 10 बजे योगदान दे। और आप सभी से बच्चों मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये लड़ाई आपकी है, आप भी इसमें खुद भी शामिल होइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यूपी ट्रिपल एससी शायद जो शोषण कर रही है वो और भी ज्यादा करने लग जाएगी, और बार बार क्या होगा अखबार में, बार बार क्या होगा वेबसाइट पे, वैकेंसीज भर्तियां तो निकलेगी, लेकिन वही टॉप, जो टॉप परसेंटाइलर है 5% 7%, वही बच्चे बार बार बैठेंगे, और किसी 10 वैकेंसी में से 1 वैकेंसी की सीट भरेगी, बाकी 9 वैकेंसी बैकलॉग में जाके फिर अगली बार वही वैकेंसी आएगी, फिर अगली बार वही वैकेंसी आएगी, और इस चक्रव्यूह में मैं और आप हमेशा के हमेशा के लिए फंसते चले जाएंगे, पैसा वेस्ट होता चला जाएगा और इससे कुछ नहीं होगा। तो इस मुहिम को, एक आग जो आपने दिया है, इसको कंटिन्यू रखिए। बहुत सारे बच्चे लगातार आयोग को मेल कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे फोन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं स्पीड पोस्ट कर रहे हैं, ये भी एक अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा आप लोगों ने सोचा है। कहीं ना कहीं जब स्पीड पोस्ट की बात करें या मेल की बात करें, ये डायरेक्ट ही होता है, जो प्रत्यक्ष रूप से हम अपने एक विनती की तरह अपनी बात को स्वीकार करने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं, और वो मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहूंगा, आप भी उस पर मेल करो online.uptplsc@nic.in, uptplsc का ये ईमेल आईडी है ऑफिशियल, इस पर आप एक प्रार्थना पत्र लिख के कि सेवा में अध्यक्ष महोदय, और उसमें विषय आप लिख के, हालांकि मेल में पूरा विषय लिखने की जरूरत नहीं होती है, मेल में आप केवल सब्जेक्ट आप उसमें लिख दो, मेल का फॉर्मेट अलग होता है, कोई जरूरी नहीं कि उसे आप पत्र की तरह रूप दो, और आप किसी भी भाषा में, इसमें प्रेशर मत दो कि एक बहुत एक फॉर्मेट होना चाहिए, मेल का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता, हाँ आपकी भाषा जो होनी चाहिए वो शालीन होनी चाहिए,
कीजिए, कोई अभद्र भाषा का प्रयोग ना करिए, अपनी बात को रिक्वेस्ट फॉर्म में रखिए और उन्हें मेल करिए। आप इंग्लिश में लिखिए या हिंदी में लिखिए, अपनी किसी भाषा में लिखिए, डजंट मेक एनी डिफरेंस, आप उसे लिखिए। ना भाषा का कोई वो है, ना ही कोई उसके लिए बहुत पत्राचार की जरूरत है, आप उसे कोई फॉर्मल पेपर नहीं लिख रहे हो। जब स्पीड पोस्ट कर रहे हो तब आप उसे एक पत्र का रूप दे सकते हो, उसमें भी केवल सेवा में अध्यक्ष महोदय विषय, उसके बाद अपना कंक्लूजन, नीचे अपना नाम, उसमें कोई फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। कहीं आप परीक्षा देने नहीं जा रहे हो, आपको अपनी बात उन तक पहुंचानी है, माध्यम बस ये है। पता सही होना चाहिए, पता क्या है, 3rd फ्लोर पिकअप भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, यूपी 22-60-10। ये आप यहाँ पे ये जरूर डालिएगा। बाकी कुछ बच्चे लगातार फोन भी कर रहे हैं, तो अगर आप उनका नंबर लेना चाहो आयोग का, तो ये नंबर मैं आपको उपलब्ध करवा दे रहा हूँ। कॉन्टेक्ट में जाएंगे तो 0522-27-20-814 ये नंबर है। और भी बहुत सारे लोगों का नंबर आयोग में, और भी जैसे जो सीएम ऑफिस है उसका नंबर, हर जगह आप कॉल करके जितना ज्यादा से हो सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया आप 4 नवंबर की शाम तक करो। 5 नवंबर तक आप सभी लोग ट्विटर पे कंप्लेन करने के लिए तैयार रहो, और जो हमारा हैशटैग होगा वो मैंने आपको बता दिया है, #UPSSCPET कॉमन कट ऑफ। तो बच्चों, इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद केवल इतना है कि आप इस वीडियो के माध्यम से ज्यादा आप शेयर करो, बच्चों के बीच में शेयर करो, आपके जो अन्य कोचिंग में जो आपके गुरुजन हैं, जो आपके पूजनीय हैं, उनको शेयर करो, उनसे विनती करो कि इस मुहिम में साथ हैं, जो भी बड़े चैनल हैं वो साथ में हैं। और मैं खुद ही हाथ जोड़ के सभी से विनती करता हूं कि UPSSC अगर ऐसा नहीं रहा तो शायद ये बार बार बच्चों पे ही क्या होता रहेगा, शोषण होता रहेगा और वो परेशान होते रहेंगे। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है सभी से कि सभी लोग इस मुहिम में साथ आइए, और एक अच्छी जो एक माहौल बन रहा है उस माहौल को हम लोग एक अच्छा अंजाम भी दें। बाकी कोई समस्या होती है बच्चों, तो आप हमारे नंबर जो नीचे चल रहे हैं इस पर कॉल भी कर सकते हो, हमारे कमेंट में आप कमेंट में कुछ भी आप हमसे पूछ सकते हो या कुछ भी हमसे शेयर कर सकते हो। पूरी तरीके से शाम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से, वो चाहे आर्थिक रूप हो, चाहे वो किसी भी तरीके से आपका परीक्षा प्लस आपको सहायता करने के लिए तत्पर है। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को।